हेलो नमस्कार बच्चों, चलिए फिर पढ़ते हैं जोड़। ठीक, चलिए बनाते हैं जोड़। ये जीरो में जीरो जोड़ते हैं तो जीरो होता है, फिर तीन में अगर दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, पाँच। फिर देखिए पाँच और दो कितना होता है, सात। फिर तीन एक चार, फिर सात दो नौ होता, फिर दो एक तीन। फिर आठ में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, नौ। एक एक में दो। फिर चार में तीन जोड़ेंगे कितना होता है, सात। दो में एक जोड़ेंगे तीन होता है। ठीक, फिर जीरो में अगर जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होता है। छः में अगर शून्य जोड़ेंगे तो छः। चार में अगर दो जोड़ेंगे तो कितना होता है, छः। फिर पाँच में अगर शून्य जोड़ेंगे तो कितना होता है, पाँच। फिर तीन में शून्य दो जोड़ेंगे तो होता है पाँच। फिर आठ में अगर शून्य जोड़ेंगे तो आठ होता है। फिर चार में एक जोड़ेंगे तो कितना होता है, पाँच। फिर चार में एक जोड़ेंगे तो होता है पाँच। फिर दो में एक जोड़ेंगे तो कितना होता है, तीन। फिर चार में तीन जोड़ेंगे तो कितना होता है, सात। फिर चार में चार उतार देंगे। फिर अगर दो में तीन जोड़ेंगे तो कितना होता है, पाँच। फिर छः में दो जोड़ेंगे तो कितना होता है, आठ। ठीक, फिर सुनना में देखिए, सुनना घटे तो सुनना होता है। फिर तीन में दो घटाएंगे तो एक होता है। ठीक, फिर पाँच में से तीन को घटाया तो दो हुआ, तीन में से दो को घटाया तो एक हुआ। फिर पाँच में से दो को घटाएंगे तो होगा तीन, फिर दो में एक घटाएंगे तो एक होगा। ठीक, फिर सात में से दो को घटाएंगे होगा पाँच, फिर तीन में से दो घटाएगा तो एक होगा। पाँच में से पाँच गया तो शून्य, पाँच में से दो गया तो तीन, फिर पाँच में से जीरो गया तो पाँच ही बचेगा, फिर एक में से एक गया तो शून्य बचेगा। ठीक, फिर देखिए आठ में से चार गया तो चार, फिर आठ में से चार गया तो चार बचेगा। फिर देखिए आठ में से पाँच गया तो तीन, फिर नौ में से चार गया तो पाँच, फिर पाँच में से पाँच गया तो शून्य, तीन में से गया तो दो। फिर आठ में से अगर शून्य गया, अठारह में से शून्य गया तो अठारह ही बचेगा। फिर छः में से दो गया तो चार, फिर छः में से तीन गया तो तीन, छः में से चार दो गया तो चार, सात में से चार गया तो तीन। ठीक, फिर दूसरा पेज में फिर देखिए छः में से चार गया तो दो, दो में से एक गया तो एक, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, चार में से एक गया तो तीन, आठ में से छः गया तो दो, तीन में से दो गया तो एक, छः में से चार गया तो दो बचेगा, चार में से दो गया तो दो, एक में से एक गया तो शून्य, दो में से एक गया तो एक। फिर सात में से पाँच गया तो दो, चार में से दो गया तो दो, पाँच में से एक गया तो चार, आठ में से चार गया तो चार, पाँच में से दो गया तो तीन, पाँच में से चार गया तो एक, नौ में से आठ गया तो एक, चार में से तीन गया तो एक, फिर नौ में से नौ गया तो शून्य, तीन में से एक गया तो दो, चार में से एक गया तो तीन, चार में से एक गया तो, चार में से तीन गया तो एक, चार में से एक गया तो तीन बचता। फिर पाँच में अगर शून्य गया तो पाँच बचेगा, फिर तीन में से दो गया तो एक बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पर जोड़। ठीक, कितना है, तीन, फिर सात, कितना फाना, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, तीन और चार कितना फाना गया, सात। फिर देखिए दो और कितना फाना, एक दो तीन, तीन दो और तीन कितना हो गया, पाँच। फिर यहाँ पे देखिए कितना चार पे आया, फिर डायरेक्ट कितना पे, एक दो आगे चार और दो कितना पे आया, छः पे। यहाँ पे एक से इकट्ठे पाँच, तो यहाँ पाँच लिखिए। फिर पाँच के बाद एक दो तीन चार, चार भागा है तो चार, पाँच चार कितना हो गया, नौ। ठीक, दूसरा पेज में देखते हैं क्या है। फिर संख्या रेखा और घटाओ। अब देखिए डायरेक्ट पहले कितना आया, चार, फिर पीछे कितना आ गया है, एक दो तीन, तीन घटाया है। फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कहाँ इतना आया है, छः, फिर पीछे कितना है, एक दो तीन चार। आगे देखिए डायरेक्ट कितना फाना है, पाँच,
पाँच के पीछे कितना है, एक दो तीन आठ में से तीन गया कितना बजेगा, दो बजेगा ठीक। फिर देखिए तीन में से तीन गया तो सुनना, फिर देखिए आगे जांच पत्र बनाना है ठीक, कितना बनाना है जांच पत्र। अब देखिए पाँच में एक जोड़ेंगे कितना होगा छः, दो में तीन एक जोड़ेंगे तो तीन, फिर छः में दो जोड़ेंगे तो आठ होगा, एक में एक जोड़ेंगे तो दो। फिर सनी के पास आठ किताबें थी, उसने पांच किताबें और खरीदी, अब उसके पास कुल कितनी किताबें हो गई ठीक। सनी के पास कितना किताब था, आठ किताब, पांच किताब और खरीद लिया, कितना हो गया आठ पाँच तेरह किताब हो गया। किताबें आप लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं ठीक, आपका अपना मर्जी है। अब देखिए पाँच में से एक गया तो कितना बचा चार, तीन में से दो गया तो एक, आठ में से आठ गया तो सुनना बचा, चार में से एक गया तो ऐसे तो आप लोगों को बनाना चाहिए फिर भी हम बना रहे हैं ठीक। छः में से दो गया तो चार बचा, चार में से तीन गया तो एक, सात टॉफियों में से पांच टॉफियों को रूपा ने खा लिया, अब कितनी टॉफियां बची, सात को टॉफी था पांच को रूपा ने चपोट लिया, तो सात में से पाँच गया तो दो को टॉफी आपके पास बचा, मतलब सात को टॉफी आपने खरीदी, रूपा नाम कलर की पांच को टोपिया छीन के खा लिया तो कितना बचा, तो दो गुण बचेगा। अब देखिए कर्म सूचक संख्या, ये लड़का दौड़ रहा है कितना ना, फर्स्ट में तो पहला, फिर सेकंड में तो दूसरा, थर्ड में है तो तीसरा, फोर्थ में तो चौथा, लास्ट में तो पांचवा है, लास्ट में नहीं फाइव में तो पांचवा है ठीक। अब देखिए पूछ रहा है कार के दौड़ में अभी प्रथम स्थान पर कौन है, बी, तो सेकेंड स्थान पर कौन है, ए, पूछ रहा है दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे कौन है, ए है, कौन है ए, फिर तीसरे स्थान पे देखिए प्रथम स्थान पे बी, दूसरे स्थान पे ए, तीसरे स्थान पे कौन है पी है, कौन है पी, चौथे स्थान पे एस ठीक। अब देखिए यहाँ पे गिनती की संख्याओं के क्रम का स्थान, इसे एक को बोलेंगे पहला, दो को क्या बोलेंगे दूसरा, फिर तीन को बोलेंगे तीसरा, फिर चार को बोलेंगे चौथा, फिर पांच को बोलेंगे पांचवा, फिर छः को बोलेंगे छठा, फिर सात को बोलेंगे सातवां, आठ को बोलेंगे आठवां, नौ को बोलेंगे नौवां, दस को बोलेंगे दसवां ठीक। इसी प्रकार से इधर भी देखिए ग्यारह को बोलेंगे ग्यारहवां, बारह को बोलेंगे बारहवां, तेरह को बोलेंगे तेरहवां, चौदह को बोलेंगे चौदहवां, पंद्रह को बोलेंगे पंद्रहवां, सोलह को बोलेंगे सोलहवां, सत्रह को बोलेंगे सत्रहवां, अठारह को बोलेंगे अठारहवां, उन्नीस को बोलेंगे उन्नीसवां, बीस को बोलेंगे बीसवां, बीसवां का देख लीजिए ठीक। अब दूसरा देखेंगे क्या लिखा होगा, गिन कर पूछे गए घर में रंग भरे, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा एक दो तो दूसरा में रंग भर देना, फिर पाँचवा एक दो तीन चार पाँच इसमें रंग भर दीजिए ठीक। फिर देखिए पहला लिखा हुआ था एक, इसको पढ़ दीजिए, फिर लिखा हुआ सातवा एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसको खोल दीजिए ठीक, फिर एक दो तीन चार इसको खोल दीजिए चौथा ठीक। दूसरा पेज में आते हैं क्या लिखा, भवन में विभिन्न मंजिलों को देखें, यहाँ देखिए बैंक है, यहाँ खुशबंद, यहाँ अली अहमद रहता है, फिर यहाँ रमेश, यहाँ दवाई की दुकान है। पूछा रमेश पहली मंजिल पर रहता है, रमेश कहाँ है देखिए खुद ही, ये पहला मंजिल है, फिर बैंक देखिए कितना वो एक दो तीन चार, तो चौथी मंजिल पर, यहाँ देखिए चौथा, चौथा मंजिल पर खुशबंद देखिए एक दो तीन, तो तीसरा मंजिल है, कौन सा मंजिल है तीसरा मंजिल। फिर बोलता है मंजिल पर अली अहमद रहता है, अली अहमद कौन सा मंजिल, एक दूसरा मंजिल पर अली अहमद रहता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, दूसरा मंजिल पर अली अहमद रहता है, चौथी मंजिल पर, पूछता है चौथी मंजिल पर क्या है, एक दो तीन चार, चौथी मंजिल पर क्या है बैंक, ठीक नहीं रहा है, चौथी मंजिल पर क्या है बैंक है। फिर पूछ रहा तीसरी मंजिल पर कौन रहता है, एक दो तीन खुशबंद रहता है, चौथी मंजिल पर कौन रहता है
खुशबन, देखिए दुकान बाहर में है, मंजिल है ही है, एक दो तीन चार, चार मंजिल है। ठीक, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। कलम शब्द में को पहला अक्षर है, तो लो कौन सा अक्षर है, एक दो, यहाँ दूसरा अक्षर है लो, कौन सा अक्षर है। फिर देखिए मो कौन सा अक्षर है, एक दो तीन, तो तीसरा अक्षर है मो। ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं, तो चौरा तीसरा। फिर ये खो टो मोल खटमल में सब खो कौन सा अक्षर है, एक, एक कौन सा होता है पहला, तो आप इसमें पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे। फिर देखिए लो, एक दो तीन चार, लो के साथ है चार, क्या तो इसको क्या लिखेंगे, एक दो तीन, तीसरा है तीसरा लिख दिया। टो देखिए एक दो, तो दूसरा अक्षर पर है टो, टो कुछ अक्षर है दूसरा अक्षर। देखिए भवन शब्द में वो कौन सा अक्षर है, एक दो, दूसरा कौन सा अक्षर है दूसरा। फिर नौ देखिए, एक दो तीन, तीसरा अक्षर है नौ, कौन सा अक्षर है तीसरा अक्षर। भौ देखिए, भौ एक नंबर पर है, तो इसको क्या लिखना है, पहला अक्षर है। फिर देखिए वह शब्द बनाइए जिसका पहला अक्षर को, दूसरा अक्षर खो, को है पहला अक्षर तो को इसमें भरिए, फिर दूसरा अक्षर मो है तो इसमें मो भरिए, फिर तीसरा अक्षर है तो लो, को मो लो, क्या बन गया कमल। ठीक, फिर इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद इसका हिसाब आएगा, मतलब इस पर सवाल आएगा। ठीक, देखा जनवरी वर्ष का पहला महीना कौन होता है, जनवरी वर्ष का पहला महीना है, फिर फरवरी वर्ष का दूसरा महीना है, फिर मार्च वर्ष का तीसरा माह है, फिर अप्रैल वर्ष का चौथा माह है, फिर मई वर्ष का पाँचवा माह है, जून वर्ष का छठा माह है, जुलाई वर्ष का सातवां माह है, अगस्त वर्ष का आठवां माह है, सितंबर वर्ष का नौवां माह है, अक्टूबर वर्ष का दसवां माह है, नवंबर वर्ष का ग्यारहवां माह है, दिसंबर वर्ष का बारहवां माह है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रविवार सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार सप्ताह का दूसरा दिन है, मंगलवार सप्ताह का तीसरा दिन है, बुधवार सप्ताह का चौथा दिन है, बृहस्पतिवार सप्ताह का पाँचवा दिन है, शुक्रवार सप्ताह का छठा दिन है, शनिवार सप्ताह का सातवां दिन है। अब इस पर सवाल आएगा, उसको बनाइए। ठीक, देखते सवाल कैसे आता है। देखिए लिखा रविवार पहला दिन है, सोमवार कौन सा दिन है, अगर आपको नहीं आता है तो इधर उल्टा के देख सकते हैं, सोमवार सप्ताह का कौन सा दिन है, दूसरा दिन, तो यहाँ आप दूसरा दिन भर सकते हैं। ठीक, दूसरा भर दिए। फिर मंगलवार भी आपको नहीं आता है तो यहाँ भर सकते हैं, देखिए मंगलवार सप्ताह का कौन सा दिन है, तीसरा दिन। ठीक, आराम से भर सकते हैं तीसरा। अब देखिए बुधवार, वो भी नहीं आता है तो देखिए बुधवार सप्ताह का कौन सा दिन होता है, चौथा दिन, तो चौथा दिन भर सकते हैं, चौथा दिन। बृहस्पतिवार किसका कौन सा दिन है, पांचवा दिन। शुक्रवार कौन सा दिन है, छठा दिन। शनिवार तो देखिए सातवां दिन लिखा हुआ है। फिर देखिए जनवरी कौन सा दिन है, वर्ष का पहला माह है, अगर आपको डाउट हो रहा है इधर देख सकते हैं उल्टा के, देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को, ये जनवरी वर्ष का पहला महीना है, या प्रथम भी लिख सकते हैं या पहला महीना भी। ठीक, आपको जो अच्छा लगता है उस लिख सकते हैं। फिर देखिए मार्च कौन सा महीना है, तीसरा माह है, तो तीसरा लिखिए। अप्रैल चौथा है, फिर मई पाँचवा है, जून छठा है, आप उधर उल्टा के देख सकते हैं, जुलाई सातवां है, सातवां। फिर अगस्त कौन सा माह है, आठवां है, फिर सितंबर नौवां है, फिर अक्टूबर दसवां है, नवंबर ग्यारहवां है, दिसंबर बारहवां है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए
बार वहाँ बार वाह, इसे क्या देख सकते हैं इसमें, बार हवा लिखा है, बार हवा, तो बार हवा लिख दीजिए आप लोग भी। ठीक, 11वां हवा, ठीक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जांच पत्र दिख रहा है, तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा, रविवार, इसमें रविवार हो रही है। फिर वर्ष का महीना फरवरी, मतलब वर्ष का दूसरा महीना होता है कौन सी, फरवरी, तो यहाँ क्या भरिएगा, दूसरा, क्या भरिएगा यहाँ पे, दूसरा। फिर चौमो को चमक शब्द में पहला अक्षर कौन सी होता है, चमक। फिर तीसरा अक्षर है क्या, को, चौमो को, 1 2 3, तीसरा अक्षर क्या है, को, क्या होता है, प्रारंभ से पांचवें घर में रंगे, 1 2 3 4 5, इसको रंग देना है, इसे इसे पूरा भर के आराम से रंगेगा। ठीक, कि क्या लिखा है, प्रारंभ से सातवें घर की संख्या को घेरे, 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या कर देना है, घेर देना है, यहाँ पे लिख भी देना है। ठीक, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक, आगे आते रहेगा वीडियो इसी तरीका से, 0 से लेके 10 तक पढ़ाया जाएगा इस पर। ठीक।